हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा पेपर लीक होने का अंदेशा जताया गया है। पुलिस भर्ती से संबंधित व्हाट्सएप चैट का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। बुधवार को अभ्यर्थी पुलिस महानिदेशक सहित सचिवालय में मुख्य सचिव के पास पहुंचे और वायरल चैट की जाँच की मांग की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस चैट में लेन देन की बात खिंचा रही है और यह चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दो लोग पेपर लीक होने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से हम सब ने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो सोशल मीडिया पर एक चैट जमकर वायरल हो रहा है और उसी की जांच को लेकर आज जो है वो हमारे साथी मुख्य सचिव और गृह सचिव से मिलने गए थे, लेकिन वहाँ पर आज हमने एप्लीकेशन सबमिट करवाई है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी चैट ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं पुलिस पेपर के लीक होने की, तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। आगे हम प्रशासन से चाहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अगर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी भी जांच की जाए। अगर किसी ने सही मायने में ऐसा किया है तो उसकी भी जाँच की जाए, क्योंकि हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे। हमारी सिर्फ प्रशासन से ये मांग है कि आप इस चैट की पूरी तरह से जांच करें और सबके सामने सच लाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। वायरल चैट में बस वो दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने पैसे का उसकी हमारे पास एक कॉपी भी है। देखिए मैम, अगर ये चैट सच में होगी तो इसमें हमारे सैकड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अगर इस प्रकार की परीक्षाओं में न्याय के साथ परीक्षाएं नहीं होंगी तो सैकड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अगर ये चैट फेक है तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आप हमारे सामने ये बताएं कि ये चैट इस तरह से फेक है और इस तरह से इसे किसने वायरल किया है उसको भी हमारे सामने लाए, क्योंकि हमारा किसी के ऊपर कोई आरोप लगाने का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। जी सर, हम सभी युवा वहाँ पर पुलिस परीक्षा भर्ती देने गए थे, वहाँ पर पूरी तरह से जो परीक्षा है वो सही रूप में हुई है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जो ये चैट है वो रिजल्ट के बाद ये चैट वायरल हो रही है, तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि आप इसकी निष्पक्षता से जाँच करें और जो भी कुछ सच है, अगर ये चैट सच है, किसने इसको वायरल किया है, कौन ये व्यक्ति है, इनको सबके सामने लाए, क्योंकि प्रदेश अन्य हमारे जिलों से भी ये मांग उठ रही है कि एक परिवार से चार व्यक्तियों का पुलिस का पेपर निकल रहा है। कहीं पर ये मांग भी आ रही है कि जिस प्रकार से कल धर्मशाला से भी एक न्यूज़ आई कि एक ट्रैक्टर चलाने वाले का बेटा जो जिसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता वो उसको भी 72 नंबर आए, तो हमारा प्रशासन से सिर्फ ये मांग है हम सभी युवा साथियों की कि अगर ये सच में हुआ है तो इसकी जाँच की जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ है, अगर ये चैट मान लीजिए फेक है, तो आप इसका भी हमारे सामने बताएं कि इस तरह से ये चैट फेक है और इस व्यक्ति ने ये किया है।